प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर विभिन्न खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह मानदेय पर प्रशिक्षण हेतु रखने की कार्रवाई को भी आगे किया है। इस संबंध में प्रदेश ने एकलव्य क्रीड़ा कोष से भी 142 खिलाड़ियों को हम लोग वर्तमान में आर्थिक सहायता कर रहे हैं। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय खेलों ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व कप, चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें हम जानते हैं श्री ललित उपाध्याय को डीएसपी के रूप में, विजय कुमार यादव और सुश्री दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार के पद पर भी प्रदेश सरकार ने नियुक्ति पत्र जारी करते हुए अब तक शासकीय और सार्वजनिक उपक्रमों में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों की नियुक्ति के लिए 2% क्षेत्रीय आरक्षण की व्यवस्था भी प्रदेश सरकार ने की है, जिसके माध्यम से हम अब तक 500 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश शासन की सेवाओं में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में उनके समायोजन करने में हमें मदद मिली है। डेविस कप की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ड्रॉ सेरेमनी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी खेल मंत्री श्री गिरीश चंद यादव जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन जी, यूपी टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री नवनीत सहगल जी, रेफरी मिस्टर रिकार्डो रागाजिनी, मोरक्को टेनिस एसोसिएशन से मिस्टर जाकरिया, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत और मोरक्को की टीम के कैप्टन्स, सभी प्लेयर्स और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत स्मरणीय क्षण आ रहा है जब एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन डेविस कप के रूप में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल और परसों आयोजित होगा। मैं इस अवसर पर डेविस कप की ड्रॉ सेरेमनी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित और इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि डेविस कप लॉन टेनिस की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। जब उत्तर प्रदेश खेल विभाग को इस बात की जानकारी मिली तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इसके लिए खेल विभाग ने पहले से ही अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश खेल विभाग के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के जो कार्यक्रम किए हैं उसकी झलक कल और परसों हम सब महसूस करेंगे।
मित्रों, पिछले 9 वर्षों के अंदर देश के अंदर खेल का एक माहौल बना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलो के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का रहा हो या फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इन सभी ने पूरे देश के अंदर एक खेल का बेहतरीन माहौल दिया है। खेल केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा इस बात पर विश्वास करती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जीवन के जो भी साधन होते हैं वह एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं, और स्वस्थ शरीर के लिए खेल कूद की प्रतियोगिताएं, एक स्वस्थ शरीर से ही ये सब कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं, और खेलकूद उसका एक अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने इन सभी कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसी का परिणाम है, प्रदेश के अंदर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतरीन प्रयास प्रारंभ हुए हैं। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाला एक अग्रणी राज्यों में से आज गिना जाता है। और अगर हम खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रदेश ने हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान बनाने, हर ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को तो तेजी के साथ आगे बढ़ाया ही है। सभी जनपदों में खेल के स्टेडियम हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम हो, ग्राम पंचायत के द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि को गांव में ओपन जिम के निर्माण में प्राथमिकता के आधार पर हम धनराशि का आवंटन कर सकें उसकी प्राथमिकता की सूची में देने का कार्य किया। आज इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में आज के दिन पे 83 स्टेडियम, 12 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 67 बहुद्देशीय हाल, 38 तरणताल, 15 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम, 3 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 16 छात्रावास भवन, 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 42 अत्याधुनिक जिम, 19 डॉर्मेट्री, 2 जूडो हॉल, 11 कुश्ती हॉल, 6 शूटिंग रेंज, 2 इंडोर वॉलीबॉल हॉल, 12 वेट लिफ्टिंग हॉल और 15 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के निर्माण के कार्यक्रम को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर विभिन्न खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह मानदेय पर प्रशिक्षण हेतु रखने की कार्रवाई को भी आगे किया है। इस संबंध में प्रदेश ने एकलव्य क्रीड़ा कोष से भी 142 खिलाड़ियों को हम लोग वर्तमान में आर्थिक सहायता कर रहे हैं। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय खेलों ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व कप, चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती, राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें हम जानते हैं श्री ललित उपाध्याय को डीएसपी के रूप में, विजय कुमार यादव और सुश्री दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार के पद पर भी प्रदेश सरकार ने नियुक्ति पत्र जारी करते हुए अब तक
शासकीय और सार्वजनिक उपक्रमों में लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों की नियुक्ति के लिए 2% क्षेत्रीय आरक्षण की व्यवस्था भी प्रदेश सरकार ने की है, जिसके माध्यम से हम अपलग 500 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश शासन की सेवाओं में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में उनके समायोजन करने में हमें मदद मिली है। प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश के अंदर जो वातावरण एक सकारात्मक वातावरण बना है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने ओलंपिक गेम्स में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर सहयोग करती है। इसके लिए 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की व्यवस्था प्रदेश सरकार करती है। ओलंपिक गेम्स टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए की पुरस्कार तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए पुरस्कार प्रदेश सरकार देती है। विश्व कप में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख तथा कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए का पुरस्कार भी राज्य सरकार अपने स्तर पर देती है। ओलंपिक गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रतिभा किए जाने पर प्रोत्साहन स्वरूप 10-10 लाख रुपए की सहायता, कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स में प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों को भी 5-5 लाख रुपए की नकद पुरस्कार की राशि प्रदेश सरकार अपने स्तर पर उन सभी खिलाड़ियों को प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। आज मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 23 वर्षों के बाद डेविस कप का यह आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। मैं इसके लिए ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को इसके लिए चयन किया और ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। इसमें भी हम लोगों ने ड्रॉ सेरेमनी के आयोजन के साथ इसको इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हम सब जानते हैं कि यह प्रतियोगिता नॉकआउट आधार पर खेली जाएगी, जिसमें लीग मैच भारत और मोरक्को के बीच 16 और 17 सितंबर को विजयंत खंड गोमती नगर लखनऊ में जो मिनी स्टेडियम टेनिस कोर्ट का बनाया गया है वहां पर ये सभी आयोजन संपन्न होंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार के स्तर पर पूरी तैयारियां की गई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए खिलाड़ियों को और मोरक्को से भी आए हुए हमारे सभी खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश के अंदर इस पूरे आयोजन के साथ जुड़ने में आनंद की अनुभूति होगी और आपके खेलों के माध्यम से प्रदेश और देश के युवाओं को भी खेल के प्रति जागरूक होने और इसके माध्यम से आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।